एक साइड का पोर्शन थोड़ा सा डैमेज हुआ है। उसी ग्रिफ को भी बुलाया है मौके पर, उनकी टीम मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑपरेशन अभी हमने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक बेसिस पे इसको हम रिस्टोर करेंगे और ट्रैफिक के लिए जो है इसको चालू करेंगे। सर 17 तारीख को बाबा पूरी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपको आप जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी टीम मौजूद है और अभी काम शुरू कर दिया गया है इसके रिस्टोरेशन का। हम कोशिश करेंगे उससे पहले पहले ये कर दें, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। अगर कोई और टेक्निकलिटीज़ जो है वो आगे अगर कोई और ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उससे पहले ही ये काम ख़त्म करें और इंस्ट्रक्शन इनको जारी कर देंगे। 2014 में ही फ्लड आया था और उसका ये पार्ट इसका आयोजन किया था, उसके बाद यहाँ पर जिला इंतजामिया ने इतना ध्यान नहीं दिया सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंतज़ाम ज़िला इंतजामिया इस पर ध्यान दिया था, तभी तो ये ब्रिज दूसरा जो है वो अल्टरनेट जो है वो लोहे का वो रखा हुआ ऊपर, और ट्रैफिक के लिए तो स्मूथली चल रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप देख रहे हैं कि साइड पे एक अल्टरनेट ब्रिज जो नेशनल हाईवे का बन रहा है उस पर काम शुरू हो गया है और वही हमारा जो है अल्टरनेट एक मेन ब्रिज रहेगा इसके अल्टरनेट, इस पर भी जो है फोकस है, ऐसी बात नहीं है। रिस्टोरेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको रिस्टोर कर देंगे और ट्रैफिक के लिए अप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ट्रैफिक बंद ही रहेगी। अल्टरनेट ब्रिज है और डाइवर्ट किया जाएगा दूसरे ब्रिज के ऊपर और फास्ट ट्रैक में काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको रिस्टोर कर। सर लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील है कि इस तरफ अपना जो अल्टरनेट रूट है उसको इस्तेमाल किया जाए और इस तरफ ना तो पैदल चला जाए और ना ही ट्रैफिक इस तरफ ली जाए, जो अल्टरनेट ब्रिज है उसी को इस्तेमाल करते हुए जो अपना जो है वो ट्रैफिक वहाँ से ले जाएं। यहाँ पर जब तक रिस्टोर होता तब तक इस तरफ आने की कोशिश ना करें और ना इधर से जो है वो व्हीकल जो है वहाँ मूव कराएँ।